सुन गुर कंध करी कर धारण। आप जी ने उस वेले खालसा जी लै करके श्री साहब निज तने किए रक्त निकारन अपने पट चो थोड़ा जिहा सतसंग जी खून लै करके क्यों शस्त्र है जेड़ा ओदी तृप्ति खून दे नाल है। इस करके खालसा आ 300 साल सी उथे सतसंग जी बड़े पाठ होए। हजूर साहब दास भी गया जेड़े सिंह मांसाहारी सी कोई शकन शाह डरे शकन वाले तो मैनू कहण क्यों जी किदन झटके करने हैं। मैं आख्या बई झटका चटंगा तां झटकीदा शस्त्रां नूं तड़क देईदे आ निजम है इह कालसे दे घर विच। कहण लगे फेर किदन। मैं आख्या उत्थे प्रदेश जाईदा शीशियां दीआं शीशियां खून कढ लैंदे ने आ डाक्टर जे। मैं किसे दिन कढा नूं सारे शास्त्रां ते तड़का जूगा। नहीं जी ऐ नहीं जी ऐ नहीं। भाव जेड़े स्वादी लोग ने ना वह खराब करते है। करगीतल पातशाह ने सतसंग जी उस वेले थोड़ी जी रत कढ के शास्त्र नूं सतसंग जी भेटा कर दिती। जेड़ी मर्यादा है मर्यादा ही है जेड़ा सतसंग क्यों मास पाप पुन दे हिसाब नाल नहीं तुसी छुट सकते। जिदन जमे सी उदन माता ने मास का ही टुकड़ा आसन मुंह च दिता है। जेड़े तो मांसाहारी ने खुश हो जाते भी आ ठीक है ठीक है। जेड़े बेचारे नहीं सकते वह कहते भी ये तो प्रचार ठीक नहीं। और पंथ खालसा है वाहगुरू के हुक्म ने सजया इत्थे कोई ऐसी सतसंग जी गल नहीं जिदा निर्णा साफ साफ नहीं है। पशु का मास खाण नाल पशु बिरती हुंदी है भजन नहीं बंदा कर सकता। इस करके गुरसिखो जैसा अन्न तैसा मन। कदे मास का प्रयोग खालसे ने करना नहीं है। क्यों जेड़ी अमृतमयी बाणी है जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत ते रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। उन्हां दा चित किवें निर्मल हो सकदा। इस करके खालसे ने मांसाहारी नहीं होना है कदे भी। जे शास्त्रां नूं तिलक लाउणा ओ मर्यादा ओ भी पिछे नहीं हटना खालसे ने। लेकिन सतसंग जी खालसा मांसाहारी नहीं है। सतो समझाए ते ज्ञाना वाहिगुरू का ज्ञान सतसंग जी सतो गुण दे अंदर है। इत्थे भी देख लियो तुसी आप भी थोड़े नाल वर्तारा वरतदा कहिंदे भी एक दिन तां नितनेम करदे आ साडी बिरती ऐन टिक जांदी है दूजे दिन कई वार जोर ला के थक जाईदा बिरती टिकदी नहीं। उदन रजो ते तमो गुण दे अधीन मन दी बिरती हुंदी है। जिदन तमो गुण दे अधीन उदन थोड़ा नितनेम करन जी नहीं करेगा। लेकिन मास साधक लाल मिर्चां बेहा भोजन ऐसा जा भोजन सतसंगत जी ए थोड़े अंदर आलस पैदा करदा नितनेम थोड़ा करन जी नहीं करेगा। जिदन रजो गुण दा प्रभाव है थोड़े ते उदन मन चंचल रहेगा घर दियां पदार्थां नूं चितवे रहेगा कम करना वह करना। जदों सतो गुण दे सहत होवोंगे उस वेले मन विच विराग ते प्रेम दी लहर होवेगी। उदन तुसीं नितनेम करो तुहानूं वखरा ही आनंद आवेगा। इस करके सतसंगी सतो गुण दी बिरधी अर्थे आपां ऐसे आहार दा प्रयोग नहीं करना है। पहनण दा भी मन दे उत्ते असर पैंदा बैठण उठण दा भी पैंदा है खाण पीण दा भी सतसंग जी पैंदा।